हे गाइस, मैं उसी मोहम्मद और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल आर्म। तो जो पेटीएम में यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 2 स्क्रैच कार्ड मिलता है, ऐसे पैसे ट्रांजेक्शन करना पड़ता है तब 2 स्क्रैच कार्ड मिलता है, ठीक है। तो उस ऑफर में क्या होता है, ज़्यादा यूज़र कर रहा है इसलिए उसमें बेटर लग ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऐसा एक ट्रिक लेके आया हूँ मैं, आप लोगों को बेटर लक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब ये ट्रिक सब यूज़र करने लग जाएगा तब बेटर लक दे सकता है, ठीक है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पेटीएम सबसे पहले ओपन करें, पेटीएम पे आप लोगों को यूपीआई ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पेटीएम में ट्रांजेक्शन एक कर लिया, ठीक है, 250 का ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। सबसे पहले 250 का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या ट्रांजेक्शन हो गया सक्सेसफुल, अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दिखा देता हूँ। आप लोगों जो स्क्रैच कार्ड आ रहा है ना, अभी तक नहीं आ रहा, लेट कर रहा है, तो स्क्रैच कार्ड आएगा, ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो बाद में आ जाएगा, वहाँ पर रह जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से कट देने का, कटने के बाद बैक करने के बाद आपको फिर से एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन किया, अब क्या करना है, ऐट द रेट पेटीएम से नहीं, SBI, एयरटेल, UPI ID किसी वे से करिए, इसका मतलब पेटीएम से मत करिए, ठीक है। मैं वाई वेल देता हूँ, वाई वेल, ठीक है। अब मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ, देखो पिन दे दिया, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब स्क्रैच कार्ड यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, स्क्रैच कार्ड जहाँ पर, अब स्क्रैच कार्ड यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं है स्क्रैच कार्ड नहीं दिया। स्क्रैच कार्ड मिल गया मेरे को, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रैच कार्ड मेरे को मिल गया, तो आप लोगों को यहाँ पर कैशबैक के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर कैशबैक में, ठीक है। मैं जाता हूँ, यहाँ पर स्क्रैच कार्ड शो कर रहा है, देखो वहाँ पर स्क्रैच कार्ड नहीं दिखाया लेकिन यहाँ पर आ गया है, ठीक है, 2 स्क्रैच कार्ड, ठीक है। तो अब स्क्रैच करके दिखाता हूँ, चलो इसमें 8 रुपीस मिल गया, देखो बेटर लक का कोई चांस ही नहीं है, बेटर लक नहीं मिलेगा। तो इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ इसमें 9 रुपया मिल गया। तो आप लोगों को कैसा लगा ट्रिक, यहाँ पर बेटर लक नहीं मिलेगा इसलिए मैंने वीडियो बनाया, ठीक है।